इट वॉज रूल नंबर 7। रूल नंबर 8 को समझते हैं, बड़ा मज़ेदार रूल है ये। रूल ना बहुत बार एग्जाम्स में आपको देखने को मिला होगा, बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा पेपर में ये वाले कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस। मुझे पहले एक बात बताओ, कंपैरिजन एक जैसी चीज़ों का होता है या अलग अलग चीज़ों का होता है? हम कंपैरिजन करते हैं, हम सेम चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं या हम अलग अलग चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं? आप डेरी मिल्क का कंपैरिजन किटकैट के साथ करोगे या डेरी मिल्क का कंपैरिजन डेरी मिल्क के साथ ही करोगे? कहने से डेरी मिल्क का कंपैरिजन डेरी मिल्क के साथ नहीं होगा, डेरी मिल्क का कंपैरिजन किसके साथ होगा? डेरी मिल्क का कंपैरिजन किटकैट के साथ होगा। मतलब ये वाला गलत है, ये वाला सही है। मतलब कंपैरिजन हमेशा क्या होता है? कंपैरिजन हमेशा सिमिलर चीज़ों का होता है, लेकिन वो चीज़ें अलग अलग होती हैं, सिमिलर होती हैं, सेम नहीं होती, दे आर सिमिलर। चलो अब ध्यान से समझना, मैंने एक सेंटेंस लिखा, सेंटेंस मैंने क्या लिखा, गोल्ड इज मोर प्रेशियस देन ऑल मेटल्स। गोल्ड जो है वो प्रेशियस है, ज़्यादा प्रेशियस है, ज़्यादा महंगा है, किससे? सारे मेटल्स से। इस सेंटेंस में एक गड़बड़ थी, कोई मुझे बता सकता है सेंटेंस में क्या गड़बड़ है? हम दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, एक तरफ क्या है, गोल्ड है, सोना है, एक तरफ क्या है, सारे मेटल्स हैं, ऑल मेटल्स। क्या मैं कभी भी गोल्ड का कंपैरिजन ऑल मेटल से कर सकती हूँ? क्या मैं कभी भी गोल्ड का कंपैरिजन ऑल मेटल से कर सकती हूँ? कहने से ऑल मेटल्स के अंदर गोल्ड भी आ गया, गोल्ड भी तो एक मेटल है, तो गोल्ड भी आ गया ऑल मेटल्स के अंदर, तो क्या गोल्ड का गोल्ड से कंपैरिजन हो सकता है? नहीं हो सकता, गोल्ड का गोल्ड से कंपैरिजन नहीं हो सकता। इसका मतलब मुझे यहाँ से गोल्ड को हटाना पड़ेगा, गोल्ड को हटाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? गोल्ड को हटाने के लिए ऑल अदर मेटल्स लिखना पड़ेगा। तो सही सेंटेंस क्या होगा? सही सेंटेंस होगा गोल्ड इज मोर प्रेशियस देन ऑल अदर मेटल्स। गोल्ड ज़्यादा प्रेशियस है, ज़्यादा महंगा है बाकी मेटल से। बाकी शब्द को ऐड करना पड़ेगा, बाकी शब्द का मतलब क्या है? ऑल अदर। एक और सेंटेंस लिख सकते हो, पहले इसको नोट डाउन करो। मैं यहाँ पे ऑल अदर मेटल्स की जगह एनी अदर मेटल भी लिख सकती थी, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। ऑल अदर मेटल्स भी सही है, एनी अदर मेटल भी सही है। गोल्ड इज मोर प्रेशियस देन ऑल अदर मेटल्स या गोल्ड इज मोर प्रेशियस देन एनी अदर मेटल। अब आपने पता है क्या क्या ये कॉन्सेप्ट सीख लिया। अब पता है एग्जामिनर बड़ा शातिर होता है, जो पेपर बनाते हैं ना वो बहुत शातिर होते हैं। उन्होंने पेपर में क्वेश्चन दिया, क्या क्वेश्चन दिया पेपर में? उन्होंने पेपर में क्वेश्चन दिया, डायमंड इज मोर प्रेशियस देन ऑल मेटल्स। डायमंड इज मोर प्रेशियस देन ऑल मेटल्स। आपको याद आया निमिषा मैम का रूल, निमिषा मैम ने बताया था मोर प्रेशियस लिखा हुआ होता है तो अदर लग जाता है, और आपने बोला कि इस वाले पार्ट में एरर है, और आप बड़े खुश होके आए कि मैंने आंसर सही दिया है, लेकिन आपने क्या कर दिया बेटा, आंसर गलत दे दिया। क्यों? इस क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, क्योंकि डायमंड तो मेटल होता ही नहीं है, डायमंड तो नॉन मेटल होता है। तो नॉन मेटल को तो मेटल से कंपेयर कर सकते हैं, इधर नॉन मेटल है, इधर ऑल मेटल्स हैं, तो डायमंड ज़्यादा प्रेशियस है ऑल मेटल से, इसमें तो कोई गलती नहीं थी, ये तो बिल्कुल सही था। लेकिन अगर यहाँ पे गोल्ड लिखना पड़ेगा तो यहाँ पे ऑल मेटल्स नहीं लिख सकते, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? पड़ेगा ऑल अदर मेटल्स लिखना पड़ेगा। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? मैम इंग्लिश पढ़ा रहे थे आप, तो ये कहाँ केमिस्ट्री पर आ गए? ऐसे हम नहीं खेल रहे मैम, इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते केमिस्ट्री मत पढ़ाओ प्लीज़। नहीं, ये जनरल नॉलेज है, ये सबको पता होना चाहिए, डायमंड इज़ अ नॉन मेटल। चल एक और क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में आया था एक बार। सेंटेंस था, कालिदास इज़ बेटर देन
ऑल अदर इंग्लिश पोएट्स। ये सेंटेंस सही है या गलत है बताओ। कालिदास इज बेटर देन ऑल अदर इंग्लिश पोएट्स। कालिदास बाकी सारे इंग्लिश पोएट्स से बेटर है। इज दिस सेंटेंस राइट और रॉन्ग। गलत है भाई, क्यों? कालिदास कोई इंग्लिश पोएट थोड़ी ना जो यहाँ पे अदर लगाने की ज़रूरत थी। अगर यहाँ पे हिंदी पोएट्स होता या इंडियन पोएट्स होता तब अदर लगाने की ज़रूरत होती। कालिदास इज बेटर देन ऑल अदर इंडियन पोएट्स। अब यहाँ पे अदर लगाने की ज़रूरत थी, फर्स्ट वाले में तो अदर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, फर्स्ट वाले में तो अदर आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि कालिदास इज नॉट एन इंग्लिश पोएट, क्योंकि कालिदास एक इंग्लिश पोएट नहीं है। इसका मतलब वहाँ पे अदर नहीं आएगा। कोई डाउट? क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया? चलिए, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो उसको एक बार समराइज करते हैं। समरी क्या पढ़ी हमने, एक बार इसको नोट डाउन कर लो या बुक में मार्क कर लो। तो व्हाट इज द समरी? समरी क्या पढ़ी हमने? समरी ये है कि अगर दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, ये कोई ए चीज़ है, ये कोई बी चीज़ है, अगर ए और बी में कंपैरिजन कर रहे हो तो इफ़ देयर इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन ए एंड बी, तो ए जो है बी का सबसेट नहीं हो सकता, ए बी का सबसेट नहीं हो सकता है। मैम इंग्लिश पढ़ा रहे हो या मैथ्स पढ़ा रहे हो या रीजनिंग पढ़ा रहे हो? मतलब अगर ए और बी में कंपैरिजन हो रहा है तो ए कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ बी। ए जो है वो बी का पार्ट नहीं हो सकता है। अगर ए बी का पार्ट हुआ तो कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। अगर ए बी का पार्ट हुआ दैट मीन्स कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल। कंपैरिजन तभी करेंगे जब दोनों अलग अलग होंगे। क्लियर सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं। मैम मैं नहीं खेल रहा हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ने आया था। अगली बात, हाँ, ऑल ए कैन नॉट बी बी। ऐसे ए कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ बी मतलब बी का सबसेट जो है ए नहीं हो सकता है। ए को अलग होना पड़ेगा और बी को अलग होना पड़ेगा, तभी ए और बी का कंपैरिजन हो सकता है। ए जो है बी का सबसेट नहीं हो सकता है, ए कैन नॉट बी अ सबसेट ऑफ बी अगर ए और बी में कंपैरिजन चल रहा हो तो। अगली बात, अब होता क्या है? मैम मैंने ये चीज़ तो समझा दी, अब फिर भी आप लोग घोटाला करके आते हो पेपर में। क्यों घोटाला करके आते हो? क्योंकि मैंने आपको बताया एग्जामिनर इज़ वेरी स्मार्ट। एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन दिया, एग्जामिनर ने क्या क्वेश्चन दिया? गोल्ड इज द मोस्ट प्रेशियस ऑफ ऑल मेटल्स। गोल्ड इज द मोस्ट प्रेशियस ऑफ ऑल मेटल्स। आपको याद आया निमिषा मैम ने पढ़ाया था गोल्ड मेटल, गोल्ड तो मेटल होता है, तो आपने क्या बोला? डी में एरर है मैम, यहाँ पे ऑल अदर मेटल्स लगाओ। लेकिन बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ पे कोई कंपैरिजन हो ही नहीं रहा, तो इस कॉन्सेप्ट को कंपैरिजन में मत लगा देना। देयर इज नो कंपैरिजन ओवर हियर। यहाँ पे तो बता रहे हैं सारे मेटल्स में सबसे महंगा जो है वो गोल्ड है, इसमें तो कोई एरर नहीं है, बिल्कुल सही है। हाँ फंस गए ना बहुत सारे बच्चे, कितने सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में कह रहे हैं कि मैम अदर लगा दो। नहीं, यहाँ पे अदर नहीं आएगा, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे कोई कंपैरिजन थोड़ी ना हो रहा है, यहाँ पे कोई कंपैरिजन थोड़ी ना हो रहा है कि गोल्ड इससे ज़्यादा अच्छा है या इससे कम अच्छा है। नहीं, सब में सबसे अच्छा गोल्ड है। यू, आप ही से बात कर रही हूँ, यस यू आर द मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। यू आर द मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ माई क्लास।
कोई एरर नहीं है, पूरी की पूरी क्लास में आप सबसे ज़्यादा टैलेंटेड हो, नो एरर, कंपैरिजन हो ही नहीं रहा, कंपैरिजन हो ही नहीं रहा तो जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा वो कॉन्सेप्ट लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट तो कंपैरिजन का था। कुछ गया अंदर, सर के अंदर कुछ गया, इन द हेड हुआ या ओवर द हेड हो गया? ओवर द हेड मीन्स ऐसे करके निकल गया, इन द हेड मीन्स अंदर गया है, आई होप ओवर द हेड नहीं हुआ। थ्रू द हेड का मतलब क्या होता है? ऐसे गया और ऐसे बाहर निकल गया, आई होप थ्रू द हेड भी नहीं हुआ है। इट्स नॉट थ्रू द हेड, इट्स नॉट ओवर द हेड, आई एम होपिंग दैट इट इज इन द हेड। यस, चलो अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, लेट्स लुक एट सर्टेन एग्जाम्पल्स नाउ। गोल्ड इज मोर प्रेशियस देन ऑल मेटल्स, क्या घोटाला है? गोल्ड इज मोर प्रेशियस देन ऑल मेटल्स, कंपेरिजन हो रहा है तो ऑल नहीं आएगा, क्या आएगा? एनी अदर मेटल्स भी आ सकता है, अदर शब्द के साथ प्लूरल नाउन भी लगता है, सिंगुलर नाउन भी लगता है, एनी अदर मेटल भी आ सकता है, ऑल अदर मेटल्स भी आ सकता है, ये तीनों के तीनों फॉर्म्स आ सकते हैं, ऑल थ्री फॉर्म्स आर करेक्ट। यस, चल आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल्स देखते हैं। डायमंड इज मोर प्रेशियस देन ऑल मेटल्स, बिल्कुल सही है, क्योंकि डायमंड नॉन मेटल है, नॉन मेटल का कंपैरिजन मेटल के साथ कर सकते हो, इसका मतलब यहाँ पे अदर नहीं आएगा, दैट मीन्स इट इज करेक्ट, कोई एरर नहीं है। कालिदास वॉज मोर फेमस देन ऑल इंग्लिश पोइट्स, बिल्कुल सही, कालिदास इंग्लिश पोइट थोड़ी ना थे, इसका मतलब अदर की ज़रूरत नहीं है। कालिदास वॉज मोर फेमस देन ऑल पोइट्स, अब यहाँ पे अदर की ज़रूरत पड़ेगी, अब अदर पोइट्स लिखोगे तब ये सही होगा, ऑल अदर पोइट्स लिखोगे तब ये सही होगा।